Absolutely. But all I'm saying is we should appreciate that these were lives lost in the prime of their youth when they had their whole lives ahead, and many of them saw their death coming. I know Vijayant wrote a letter to both of you. I know Anuj wrote to Meenaji, ma'am. It hasn't been easy. Both of you have written books to keep the memories of your children alive. You have written a book on Anuj, as have the Thapars written on Vijayant. Yes. This anniversary, what does it mean to you? Because parents don't need a day. The country needs a day. But parents don't need a day. They live with you every single day of your lives, Meena ma'am. Actually, Barkha, I feel, mere liye wahi 1999 and 2024, Anuj same. Jee. And I am living with his memories. Mujhe lagta ki wahi, you know, Dr. Karnal Thapar keh rahe the, we have learned to live only. We could not forget our children. You know, same thing. 75, he was born. 99, he has gone. 93, he joined NDA. All these dates are always present in our mind. Vijay Divas is only for the country. Yes. For us, every day is a struggle. Every day. Every day. Morning, I get up. I just, you know, pray to God. मैंने एक लिखा था रोज की कहानी 24 साल से दोहरानी सुबह उठो तिलक लगाओ दोनों को पापा बेटा दुआ मांगो तीनों के लिए इंक्लूडिंग करण एंड आई डोंट नो वो लगी कि नहीं लगी यू नो इस फीलिंग में हम लोग चलते हैं यू नो थ्रू आउट द लाइफ यू नो 23 साल के बच्चे वी हैव लिव्ड आई एम सरप्राइज्ड कि वो 23 साल का था मैंने 25 साल गुजार दिए आई कुड नॉट गो टू कारगिल करण गया था जब हमने ये किताब लिखी है तो करण एंड टीम वहां पर गए थे दे विजिटेड पिंपल आप कभी नहीं गई मैम मैंने मेरी कल की टिकट बुक थी 24th की पर मेरे ब्रदर इन लॉ एक्सपायर हो गए तो आई कुड नॉट गो एंड अदरवाइज मेरे में करेज भी नहीं थी करेज भी कम थी मेरे करेज उतनी नहीं है पता नहीं क्यों टिकट बुक थी मेरी भी टिकट बुक थी करेज की मैम बहुत मैं कुछ कहना चाहती हूं आप में बहुत करेज है जी. मैं अपनी मैंने मैंने अपनी कहानी बताती हूं आई लॉस्ट माय फादर टू कोविड मैं उनके साथ 41 इयर्स आई लिव्ड इन अ रूम अक्रॉस अ बाथरूम फ्रॉम हिम 3 साल हो गए मैम मैं उनके कमरे में नहीं जा पाई तो आपकी आप जब कहते हैं कि आप में करेज नहीं आप में बहुत करेज है मैं अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर कर रही हूँ कि ये होता है सम मेमोरीज आर सो ट्रिगरिंग वी कैन नॉट कन्फ्रंट नहीं बरखा मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हमने क्या किया था सारी अनुज की चीजें यू नो अनुज की तो ब्राइडग्रूम ड्रेस भी है सब कुछ है हमने उनको लॉक किया हुआ था एंड यू नो शादी होने थी 10th सितंबर की शादी थी 28th अगस्त का उसका बर्थडे होता है और वो हमें लिख रहा है आई थिंक 29 जून को कि मॉम आई विल कम एंड वी विल सेलिब्रेट योर 25th एनिवर्सरी दैट वाज माय 25th एनिवर्सरी एंड माय बर्थडे एंड शादी हो जाएगी इट वाज सो सिंपल मगर नहीं हुआ 2017 तक हमारे घर में चीजें यू नो पैकेट्स में लॉक थी बैग्स में लॉक थी 2017 में ये राष्ट्रीय राइडर के लोग आए मेरे पास एंड उन्होंने जब देखा कि मैं अकेली और ये सब चीजें मैनेज कर रही हूँ दैट दे आस्क्ड मी टू लेट अस राइट अ बुक दैट वाज द डे अनुज की किताब स्टार्ट हुई एंड सारा घर ओपन हो गया यू नो चाहे न्यूज़पेपर कटिंग्स थी जिसमें टाइगर ऑफ ग्रास अनुज को बोलते थे इवन जब हिंदी एडिशन आया तो हिम्मत ने कहा मानी हम इसको द्रास का शेर लिखते हैं मैं कह नहीं द्रास का शेर विक्रम बत्रा उसके साथ लगा है अनुज के साथ टाइगर है आई वॉन्ट टू लिव विद द टाइगर इस टाइटल में तो वो चीजें हैं पर उसके बुक ने अनुज करण को इनकरेज किया वी यू नो मैंने ये थे उरी में थे 17 जाट आई जस्ट आस्क्ड अपन सर कि आप मेरे को उन लोगों को भेज दीजिए दो तीन लोग जो दिल्ली में है इस समय जिन्होंने अनुज के साथ वॉर लड़ी है उन्होंने क्या किया कि उरी से 4 लोगों को भेजा एंड दोज 4 पीपल दे कलेक्टेड एटलीस्ट 20 पीपल जिसमें से सिर्फ अनुज के साथ लड़ने वाले 4-5 लोग ही थे बाकी सब फौजी थे यहाँ पर सर जो भी 17 जाट के या जिन्होंने कारगिल वॉर लड़ी उसमें से 2 रिटायर्ड लोग आए थे जिनके
ऐसे यहां से लेके यहां तक बॉडी कटी हुई थी विद द स्टिचेस आई हैव सीन। एंड उन्होंने हमें एक्सप्लेन की कि वो वॉर क्या थी, अनुज कहाँ था और किस तरह से अनुज का हुआ। उन्होंने मुझे एक बार कहा कि मैम आप अंदर चले जाइए, आपका बेटा है, हिम्मत है, हिम्मत का पूरा ग्रुप है राष्ट्रीय राइडर का। मैं अंदर चली गई रूम में, बट अगेन आई विद इन अ सेकंड आई केम बैक क्योंकि आई वॉन्टेड टू नो वॉट हैपेंड द वॉर। थापर साहब यू नो उनको वो फौजी है, उनको सब चीजें पता है, हमें इतना नहीं पता था। अनुज को मैंने, अनुज का फोन आया वॉर से पहले कि मैंने कहा अनुज मैं रोज न्यूज़पेपर में देख रही हूँ कारगिल कारगिल, वो क्या है? कहता है मैं वहां नहीं हूँ। एंड व्हेन वी गॉट टू नो फ्रॉम यू नो मेजर रितेश कॉल्ड अस कि मैं जा रहा हूँ, आंटी कुछ भेजना है अनुज के लिए। मैंने कहा हाँ बेटा, उसने कुछ शर्ट्स एंड कुछ वीडियो कैसेट मंगाए हैं। वो कहता वो तो वॉर में है। जब अनुज को ये पता चल गया कि हमें पता चल गया कि वो वॉर में है, देन ही कॉल्ड हिज फादर। मॉर्निंग में अंधेरा था, आई थिंक 5-6 बजे का टाइम होगा शायद, और पापा से पूछा पापा अब आपको पता है कि वॉर हो गई है एंड आपकी क्या एडवाइस है? उन्होंने तीन चीजें बताई, बेटा विन एंड कम बैक, डोंट शो योर बैक एंड डोंट गेट मिसिंग। बाय दैट टाइम यू नो सौरभ कालिया का केस हो चुका था, तो उसने दो चीजें पूरी कर रही पर विन एंड कम बैक की सिचुएशन नहीं आई। उससे पहले बरखा वो जो लेटर्स लिखता था ना, मेरे पास अभी डायरी है नहीं, लेटर्स में वो लिखता था आई वॉन्ट टू किल those people who have killed our innocent Indians. I will keep breathing. This country has so much, this country and the army has so much faith in me. I want yes. posting in Siachen. Abhi jo hai Himmat and group wahan gaye hue hain Kargil mein aur wo ab Siachen gaye hain specially ke dekhne ke liye Anuj sir apna endurance and you know test karna chahte the apni physical. Aapne aapne ek baat aapne zaruri baat ki Colonel Thapar is able to speak as a soldier. And that, yes, you know, yes, yes, yes. I admire him. मैं उतना नहीं कर पाती मेरे को बिल्कुल। आप ये, I want Colonel Thapar to respond to this and then I'll come to Colonel Bhalotia. I think Colonel Thapar, everybody deals with loss in their own way. Meena ji अपने आप को बहुत ज्यादा self deprecating कर रही है बिना वजह। जो उन्होंने बहादुरी दिखाई है वो उन्होंने अपने तरीके से दिखाई है, सबका अपना तरीका होता है Colonel Thapar, नहीं? Gee, yeah, you're right what you're saying. And actually it is not for the cameras that we have to show our what is getting going on inside her. But the fact is that she has already explained how everything, yeah. You see your young son, 22-year-old boy lying in front of you. It has a big impact, isn't it? So that's how it has been. And that impact is lifelong. I mean, we may say that it is filled, time passes and everything. No, yeah. It is there. But we learn to live with it. We learn to take the positives. What is the use of trying to do some cry and do things that are not going to be of any use? We use that. Crying is also, but crying is okay sometimes, sir. Yes, sometimes it is. We also cry, but we cry in the middle of the night. And sometimes while I see yours or some other people's articles and things like that, it really, it's very painful for the heart. I can only imagine, sir. I can say I understand, but it would be wrong of me to say I understand because I can never understand